दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीसीएल रिक्वायरमेंट 2023 के बारे में, जहां पर सेंट्रल कोल फील्ड इंडिया लिमिटेड के डिपार्टमेंट से 2023 के लिए नई भर्तियों का सीधी भर्तियों का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है। साथ में आवेदन भी शुरू हो चुके हैं, जिसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं दोस्तों। जहां पर इस भर्ती के लिए खास बात यह है कि अगर आप लोग केवल और केवल 10वीं 12वीं पास हैं और आप चाहे भारत के किसी भी राज्य में रहते हैं, इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। साथ में इस भर्ती के लिए मेल एवं फीमेल यानी कि महिला एवं पुरुष दोनों आवेदन कर पाएंगे। साथ में इस भर्ती के लिए सिलेक्शन पाने के लिए आपको कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना है, कोई भी इंटरव्यू नहीं देना है, सीधी भर्ती है, सीधे आपका सिलेक्शन होने वाला है। साथ में बात करें इस भर्ती के लिए नंबर ऑफ वैकेंसी की, तो यहाँ पर 330 पदों पर सीधी भर्ती होने जा रही है। सो फ्रेंड्स, है अगर आप लोग भी केवल और केवल 10वीं 12वीं पास है और आप भी सेंट्रल कोल फील्ड इंडिया लिमिटेड के अंदर एक अच्छी सी पोस्ट पर सेलेक्शन पाना चाहते हैं, आवेदन करना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि सबसे पहले आपको इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन कहां से डाउनलोड करना है। साथ में यहां पर आपको इस भर्ती के लिए कब से कब तक और कैसे अप्लाई करना है। साथ में यहां पर आपका इस भर्ती के लिए सेलेक्शन कैसे होगा, सैलरी क्या मिलने वाली है, एज लिमिट क्या रहेगी, सारी की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। सो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। साथ ही साथ अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगर आप लोग हैं चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना मत भूलिएगा। सो फ्रेंड्स, है काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, चलिए जानते हैं इस वैकेंसी के बारे में कंप्लीट डिटेल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात कर रहे हैं सीसीएल रिक्वायरमेंट 2023 के बारे में, जहां पर सेंट्रल कोल फील्ड इंडिया लिमिटेड के डिपार्टमेंट से 2023 के लिए नई भर्तियों का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है। साथ में आवेदन भी शुरू हो चुके हैं, जिसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं दोस्तों। जहां पर सीसीएल यानी कि सेंट्रल कोल फील्ड इंडिया लिमिटेड भर्ती को लेकर काफ़ी सारे लोगों के वीडियोस पे कमेंट आ रहे थे कि सर हमें सेंट्रल कोल फील्ड इंडिया लिमिटेड की नई वैकेंसियों के बारे में बताइए कि आखिर कोल इंडिया की नई भर्तियां कब तक होने जा रही हैं, कितने पदों पर भर्तियां होने जा रही हैं, कौन कौन से राज्य के कैंडिडेट कब से कब तक आवेदन कर पाएंगे। तो फाइनली आप सभी को बता दें, सेंट्रल कोल फील्ड इंडिया लिमिटेड के डिपार्टमेंट से 2023 के लिए 330 पदों पर सीधी भर्तियों का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है। साथ में आवेदन भी शुरू हो चुके हैं, जिसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं दोस्तों। जहां पर बात करेंगे सबसे पहले पोस्ट नेम के बारे में, तो यहां पर टेक्नीशियन, डिप्टी सर्वेयर, साथ में माइनिंग सीडर एवं असिस्टेंट फोरमैन के पदों पर सीधी भर्ती होने जा रही है। जहां पर बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की, तो यहां पर 330 पदों पर सीधी भर्ती होने जा रही है, जिसके लिए ऑल इंडिया के कैंडिडेट ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप लोग हैं इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहेंगे तो आपको www.centralcoalfieldindialimited की ऑफिशियल साइट पर जाकर इसका ऑनलाइन आवेदन करना होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए। साथ ही आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप लोग किस राज्य से हैं, साथ में आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, ताकि हम आपके राज्य, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन से संबंधित सरकारी नौकरियों की जानकारी सबसे पहले आपको दे पाएँ, कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो पाए। फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे इस भर्ती के लिए आपके अप्लीकेशन फीस के बारे में, तो यहाँ पर जनरल ओबीसी के लिए ₹200 पर कैंडिडेट अप्लीकेशन फीस लगने वाली है। बाकी की सभी कैटेगरी के लिए अप्लीकेशन फीस बिल्कुल निःशुल्क रहने वाली है। बात करें जहाँ पर इस भर्ती के लिए आपके
एज लिमिट के बारे में, तो यहाँ पर अगर आपकी उम्र सीमा 18 से 25 वर्ष के बीच है तो आप लोग इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं एज में छूट की बात करें तो एज पर गवर्नमेंट रूल, यहाँ पर SST के लिए 5 वर्ष की तथा OBC के लिए 3 वर्ष की आपको एज में छूट भी मिलने वाली है। बात करें जहाँ पर इस भर्ती के लिए आपके सिलेक्शन के बारे में, तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन CBT एग्जाम के आधार पर होने वाला है। बात करें जहाँ पर इस भर्ती के लिए आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, तो यहाँ पर 10वीं 12वीं या फिर ITI डिग्री डिप्लोमा पास कैंडिडेट इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। बात करें जहाँ पर अगर आप लोग इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहेंगे तो यहाँ पर आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट अनिवार्य रहेंगे, तो यहाँ पर आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, साथ में एजुकेशन सर्टिफिकेट, साथ में पासपोर्ट साइज का फोटो, सिग्नेचर, डोमिसल सर्टिफिकेट, साथ में कास्ट सर्टिफिकेट या साइड डॉक्यूमेंट अनिवार्य रहने वाले हैं। बात करें जहाँ पर इस भर्ती के लिए आपके पे स्केल के बारे में, तो यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में सैलरी मिलने वाली है 10,000 रुपये से लेकर 30,400 रुपये पर मंथ की। बात करें जहाँ पर इस भर्ती के लिए वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, तो यहाँ पर सभी राज्यों के कैंडिडेट इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। बात करें जहाँ पर इस भर्ती के लिए आपके इम्पोर्टेंट डेट के बारे में, तो यहाँ पर स्टार्टिंग डेट है अप्लाई करने की 30 मार्च 2023, वहीं लास्ट डेट है अप्लाई करने की 17 अप्रैल 2023। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप लोग इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहेंगे तो आपको 17 अप्रैल 2023 के पहले इसका आवेदन करना होगा। सो फ्रेंड्स, है काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। इस वैकेंसी से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पर देने वाला हूँ, जहाँ से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी व वीडियो में दी गई जानकारी आपके काम की होगी। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। साथ में बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।